नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ लो ब्लड प्रेशर के लक्षण और उसके बचाव। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ब्लड प्रेशर की समस्या बेहद आम हो गई है। किसी भी उम्र के लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। यदि हमारा ब्लड प्रेशर 120-80 पार के सामान्य स्तर से गिर जाता है तो यह लो ब्लड प्रेशर है। छाती में दर्द, सांस फूलना, उल्टी लो ब्लड प्रेशर के आम लक्षणों में शामिल है। दिल से जुड़ी कुछ बीमारियों में कई बार ऐसा होता है कि शरीर में खून सही तरीके से सर्कुलेट नहीं हो पाता है और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। इसके अलावा और भी कई कारण हैं जिसकी वजह से लो ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। हालांकि कुछ घरेलू उपचार हैं जिनकी मदद से आप आसानी से लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। आइए जानते हैं लो ब्लड प्रेशर के लक्षण और बचाव क्या क्या है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ लो ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या है। पहला लक्षण है स्किन का पीला होना। दूसरा लक्षण है गर्दन में अकड़न पड़ना। तीसरा लक्षण है चक्कर आना, सिर दर्द होना, बेहोश होना। इसके अलावा फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले लक्षण की, सांस फूलना या सांस लेने में तकलीफ होना, जख्म भर लगना या फिर दिल की धड़कनों का असामान्य तरीके से चलना, डायरिया या उल्टी होना, प्यास लगना, चक्कर आना या तनाव होना। अगर आपको भी कुछ इसी प्रकार के लक्षण नज़र आते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए ताकि आपको बाद में तकलीफ ना हो। अगर आप अच्छे से रहना चाहते हैं तो आपको एक बार अपने ब्लड प्रेशर की जांच जरूर करवानी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि लो ब्लड प्रेशर के बचाव क्या हैं। अगर आप घर पर ही ठीक होना चाहते हैं तो मैं आपको बताती हूँ उसके बचाव के उपाय क्या हैं। लो ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए अधिक मात्रा में नमक का सेवन करना और अधिक मात्रा में पानी पीना इत्यादि तरीके को अपनाना सहायक साबित हो सकता है। इससे क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर सही रहेगा। इसके अलावा लो ब्लड प्रेशर से बचने के लिए भोजन के बीच लंबे अंतराल के से बचे और कोशिश करें हर 2-3 घंटे पर खाएं। इसके अलावा छाछ लो ब्लड प्रेशर वाले मरीजों के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है। छाछ में नमक, भुना हुआ जीरा और हींग मिलाकर इसका सेवन करते रहने से भी ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। लो बीपी के मरीजों को अक्सर चक्कर आने की शिकायत रहती है। ऐसे में आंवले के रस में शहद मिलाकर खाने से बहुत जल्दी राहत मिलती है। इसके अलावा आंवले का मुरब्बा भी ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए एक विकल्प होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, लॉन्ग ब्लड प्रेशर को बेहतर करने के लिए तुलसी के ज़्यादा सेवन से बचें। तुलसी के पत्ता या तुलसी की चाय को हर बार सेवन करने से आपके ब्लड प्रेशर में गिरावट आ सकती है, इसलिए कोशिश करें कि आप इन चीज़ों का सेवन ना करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।